सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी में जो हमारे जो महत्व के जो पॉइंट्स है उसमें एक है सोलर रेडिएशन, टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, सोलर एनर्जी के द्वारा हम कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर यूज करना है कि लाइक हमको खाना बनाना है, पानी गर्म करना है, हवा को गर्म करना है, तो उसके लिए जो अभी जो हमने बनाया है वो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सोलर कुकर, वाटर हीटर, एयर हीटर, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करें। तो उसमें सोलर रेडिएशन मतलब क्या है? तो सोलर रेडिएशन का मतलब है कि जो हम सूर्य की जो रोशनी फील करते हैं या तो हम जो विजुअल जो करते हैं उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन को हम मेजरमेंट माइक्रोन के अंदर करते हैं। जो हम देख सकते हैं वो पर्टिकुलर जो प्रकाश है या तो वो पर्टिकुलर सोलर रेडिएशन की जो लेंथ है वो है 0.4 माइक्रोन से लेके 0.7 माइक्रोन, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो वो है 0.38 टू 0.76 माइक्रोन। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सोलर रेडिएशन की कैसी इफेक्ट होती है, या तो अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो सोलर का जो किरण है वो जब सूर्य में से जब निकलता है और हमारी पृथ्वी पर जैसे आता है तो उसके साथ साथ उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो अब हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक फिगर आपको दर्शाए हुए हो, अंदर ये पर्टिकुलर चीज आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोलर रेडिएशन के अंदर जो सबसे पहली जो इफेक्ट है वो है एब्जॉर्प्शन, जिसको हम बोलते हैं शोषण। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन जो है वो जब अर्थ पे जब आता है, या तो अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई जो एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सोलर रेडिएशन है वो इनपुट होता है या तो उसके ऊपर आपात होता है, तो उस टाइम अगर उस ऑब्जेक्ट की जो सपाटी है वो अगर डार्क होगी, या तो ऐसा कोई पर्टिकुलर लाइक आप देख लो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस, वो सब क्या करते हैं तो वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो सोलर रेडिएशन की जो हीट है उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर जो चीज है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, सेम थिंग जैसे वो डार्क सपाटी थी ऐसे ही ये जो सपाटी होती है वो होती है लाइट सपाटी। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर जो कोई सरफेस जिसके ऊपर जब सोलर रेडिएशन इनपुट हो तो उसका रिफ्लेक्ट हो, ऐसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पहला है वो है क्लाउड यानी कि बादल, दूसरा अगर हम देखें तो वो है ग्लेशियर या तो आइस, हिमालय के अंदर आप देख लो जो आइस है या तो ग्लेशियर या तो हमारे जो ध्रुव जिसके ऊपर बहुत सारा बर्फ है, तो वो क्या होता है कि उस ऐसी पर्टिकुलर जो जब सपाटी होती है तो उसके अंदर कोई रेडिएशन जब इनपुट होता है तो क्या होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं परावर्तन। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन या तो थर्ड कोई ऐसी असर हो तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या है, स्कैटरिंग का मतलब है कि ओनली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसका विभाजन नहीं होता लेकिन कई डायरेक्शन के अंदर जब उसका विभाजन होता है, कोई एक सोलर रेडिएशन या तो सोलर की जो किरण है उसका एक डायरेक्शन के अंदर उसका विभाजन ना होते हुए कई डायरेक्शन में जब उसका विभाजन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब है बिखर जाना, जब कोई एक सपाटी पर सोलर रेडिएशन इनपुट होता है और जब वो बिखर जाता है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वक्रीभवन। वक्रीभवन का मतलब क्या है, हमने आगे भी इवन आप देखो प्राइमरी में भी या कई जगह पे वक्रीभवन शब्द हमने सुना, ठीक है, प्रकाश का वक्रीभवन ऐसा भी हमने एक टर्मिनोलॉजी है वो सुनी होती है। तो वक्रीभवन का मतलब क्या है, उसको हम रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो वक्रीभवन का जो मतलब है वो है कि एक ऐसा लेयर हो कि जिसकी डेंसिटी अलग हो, फिर दूसरा लेयर हो उसकी डेंसिटी अलग हो, तो अलग अलग डेंसिटी वाले जब लेयर से कोई पर्टिकुलर सोलर रेडिएशन जब इनपुट या तो इन होता है तो क्या होता है
वो जो सोलर रेडिएशन है उसका वक्रीभवन हो जाता है, यानी कि वो ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रीभवन प्रोसेस या तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस। उसके बाद अगर इस टॉपिक के डिटेल में अगर हम जाए या तो हम डिटेल में उसकी बात करें, तो सोलर रेडिएशन के अलग अलग टाइप्स, पहला है वो है बीम रेडिएशन और दूसरा है वो है डिफ्यूज रेडिएशन, पहला बीम और दूसरा डिफ्यूज रेडिएशन, और वो जब दोनों मिल जाते हैं तो जो हो जाता है उसको बोलते हैं हम टोटल रेडिएशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीम रेडिएशन के बारे में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि बीम रेडिएशन के अंदर क्या होता है, तो जब डायरेक्ट सन के अंदर से कोई रेडिएशन आता है और वो डायरेक्ट जब, जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट रेडिएशन, तो वो डायरेक्ट जब अर्थ पे आता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडिएशन या तो बीम रेडिएशन। अगर बीम रेडिएशन या डायरेक्ट रेडिएशन की बात करें, तो अगर हम कोई जगह पे खड़े हैं और हमारे ऊपर सूर्य की जब धूप आती है और हमारी जो परछाई होती है, ठीक है, तो जब किसी भी चीज की परछाई होती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि उस चीज पर सूर्य के डायरेक्ट रेडिएशन या तो बीम रेडिएशन है वो इनपुट हुए हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है डिफ्यूज रेडिएशन। डिफ्यूज रेडिएशन का मतलब क्या है कि जो सूर्य के अंदर से डायरेक्ट रेडिएशन जो अर्थ पे नहीं आती, लेकिन ऐसा प्रकाश जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के रेडिएशन के द्वारा ही जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। कैसे, तो अगर हम घर पे बैठे हैं तो हमारे घर के अंदर धूप नहीं आती, लेकिन जो बाहर जो धूप होती है उसका लाइट या तो उसका जो रोशनी वाला जो इफेक्ट है वो हम हमारे घर के अंदर भी महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी जो रेडिएशन है जो इनडायरेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। डिफ्यूज रेडिएशन मतलब जो हम जो भी डे के टाइम पे जो हम रोशनी महसूस करते हैं हमारे घर के अंदर उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। सबसे ज्यादा सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद डिफ्यूज रेडिएशन का रोल ज्यादा होता है। उसके बाद है टोटल रेडिएशन। टोटल रेडिएशन के अंदर बीम रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों का समावेश होता है। दैट मींस टोटल रेडिएशन इज इक्वल टू बीम रेडिएशन प्लस डिफ्यूज रेडिएशन, जिसको हम ग्लोबल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने रेडिएशन और रेडिएशन के टाइप्स और उसके साथ साथ रेडिएशन की जो इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है उसके बारे में हमने जाना। थैंक यू वेरी मच।